Thank you.
Oh.
Oh.
অমৃত বেলা শুদ্ধ পবন হে মেরে লাডলো জাগো, অমৃত বেলা শুদ্ধ পবন হে মেরে লাডলো জাগো, অখিয়া খোলো শিব শিব বলো, খোলো শিব শিব বলো, বাচ্চো আলস ত্যাগো, মেরে লাডলো জাগো, অমৃত বেলা শুদ্ধ পবন হে মেরে লাডলো জাগো। মুরলী কে স্বর মধুর মিলে হ্যায়, মধুবন কে ভী ফুল খিলে হ্যায়, মুরলী কে স্বর মধুর মিলে হ্যায়, মধুবন কে ভী ফুল খিলে হ্যায়, ধরতি জাগি অম্বর জাগা, ধরতি জাগি অম্বর জাগা, তুম ভি লাডলো জাগো, মেরে লাডলো জাগো, জাগো জাগো জাগো। ডাল ডাল পর পঞ্ছী বোলে, কানো মে অমৃত রস ঘোলে, ডাল ডাল পর পঞ্ছী বোলে, কানো মে অমৃত রস ঘোলে, প্রভু মিলন কা ইহি সময় হে, প্রভু ইহি সময় হে, ব্রহ্ম মুহূর্ত হে জাগো, মেরে লাডলো জাগো, জাগো জাগো জাগো। সোবত হ্যায় সো খোবত হ্যায়, জাগত হ্যায় সো পাবত হ্যায়, সোবত হ্যায় সো খোবত হ্যায়, জাগত হ্যায় সো পাবত হ্যায়, বাবা কি প্যারি বাণী সুন, বাবা কি মিঠি বাণী সুন, প্যারে বচ্চো জাগো, মেরে লাডলো জাগো, অমৃত বেলা শুদ্ধ পবন হ্যায় মেরে লাডলো জাগো, অখিয়া খোলো শিব শিব বলো, অখিয়া খোলো শিব শিব বলো, বাচ্চো আলস ত্যাগো, মেরে লাডলো জাগো, মেরে লাডলো জাগো, মেরে লা
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। Thank you.
मैं आत्मा सत्य स्वरूप में स्थित हूं। एक अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु एक लाइट एक माइट इस देह के मस्तिष्क के बीचों बीच चमक रही हूं। श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। स्वयं भाग्य विधाता मात पिता बनकर सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ अमृत वेले में अमृत से भरपूर करने मेरे भाग्य की सितारा को चमकाने के लिए स्वयं भाग्य विधाता मेरे सम्मुख उपस्थित है। मेरे गाइड बनकर मुझे अपने साथ याद की यात्रा पर ले चलने आए हैं। संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अवतरित आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठ यात्रा के लिए तैयार हूं। मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं।
मैं दिव्य प्रकाश युक्त ज्योति बिंदु हूं। मैं अविनाशी हूं। मैं सत्य हूं, शुद्ध हूं, नित्य हूं। मैं आत्मा अशरीरी हूं। मैं भोलेनाथ शिव पिता का। भोला बच्चा बालक सो मालिक हूं। वरदाता सर्वशक्तिवान। भोला भंडारी बाबा मुझ बालक सो मालिक आत्मा को वरदानों से भरपूर करने के लिए अपने वरदानी की झोली खोल दिया है। उन वरदानों को, परमात्म खजानों को लूटने के लिए मैं आत्मा तैयार हूं। मैं अशरीरी आत्मा अचल हूं, स्थिर हूं। अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु। मैं अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा दिव्य प्रकाश शरीर को धारण कर रही हूं। अति सूक्ष्म
ज्योति बिंदु आत्मा प्रकाश रूप में विराजमान। मात पिता बाप दादा गाइड बनकर मुझे वतन की ओर ले जा रहे हैं, प्रकाश शरीर धारी आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठ एक सेकंड में साकार सृष्टि से परे अव्यक्त वतनवासी बन जाता हूं। हजार चंद्रमा से भी तेजमय सफेद प्रकाश की दुनिया, शुद्ध पवित्र दुनिया, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बाप दादा का निवास स्थान, ये प्रकाश शरीर धारी अव्यक्त रूप धारी फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख हूं। शुद्ध शक्तिशाली अमृत वेले में बाप दादा से मिलन मना रहा हूं। बाप दादा की शक्तिशाली वरदानी दृष्टि से मैं अव्यक्त फरिश्ता भरपूर हो रहा हूं। अलौकिक अव्यक्त मिलन मिले में मगन हो। दिव्य प्रकाश धारी बाप दादा में प्रकाश स्वरूप धारी आत्मा
बाप दादा की दृष्टि से आने वाली लाइट और माइट की किरणों से मैं सशक्त समर्थ भरपूर बनता जा रहा हूं। एक अलौकिक किन्यारापन का अनुभव हो रहा है। शक्ति और समर्थ्य संपन्न का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल डिटैच, बाप दादा की शक्तिशाली वरदानी दृष्टि से मैं आत्मा अव्यक्त वतन से अनादि निराकार बिंदु रूप ज्योति स्वरूप धारण कर रही हूं। प्रकाश स्वरूप से अनादि निराकार बिंदु रूप ज्योति स्वरूप को धारण कर रही हूं। अब अव्यक्त वतन से ब्रह्मलोक निवासी बन जाती हूं। परम धाम निवासी बन जाती मैं स्वयं को देख रही हूं। सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया अखंड ज्योति महातत्व सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश गहन शांति स्वीट साइलेंस सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया में मैं ज्योति बिंदु आत्मा अंडाकृति आत्मा निराकार आत्मा एक स्थिर बिंदु की भांति चमक रही हूं।
मैं आत्मा मेरी अपनी घर शांति धाम में शांत स्वरूप में स्थित हूं। मैं निराकार हूं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। मैं सत चित आनंद स्वरूप। मैं बुद्धि रूपी नेत्र से मैं अपने घर को देख रही हूं। मुझे एक परम शक्ति एक चुंबकीय शक्ति मेरी बुद्धि को अपने ओर आकर्षित कर रही है। ब्रह्मलोक घर में वो शक्ति वो परम शक्ति और कोई नहीं, मेरा मीठा भोला बाबा। मेरा पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव। मेरा प्रदाता पावर हाउस सर्वशक्तिवान बाबा। मैं आकर्षित होकर एक सेकेंड में विजयी रतन की सेक्शन में बैठ जाती हूं। बिल्कुल मेरे भोले बाबा के पास मेरी बुद्धि रूपी छोली पूर्णतः खुली हुई है। मैं सर्वशक्तिवान वरदाता गुणों का सिंधु भोले भंडारी त्रिमूर्ति शिव बाबा के पास हूं। इस निराकारी आत्मा रूपी छाड़ में बाबा के बिल्कुल पास विजय रत्न के सेक्शन में हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। मेरे भोलेनाथ बाबा भोले भंडारी बाबा वरदानों से अपने सभी खजानों से सर्वशक्तियों से सर्वगुणों से मुझ मेरी बुद्धि रूपी झोली को भर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के पास बैठकर
भरपूर हो रही हो। भोलेनाथ भोले भंडारी सर्वशक्तिवान वरदाता, सर्वगुणों का सिंधु बाबा, मैं बालक सो मालिक बनकर भोले भंडारी से सर्व खजानों से संपन्न बन रही हूं। लाइट और माइट की किरणों से पावर हाउस बाबा से शक्ति की करंट लेकर उनके समान बन रही हूं। अमृत पान कर अमरत्व को प्राप्त कर रही हूं। मैं भोले बाबा के समान निराकार शुद्ध पवित्र आनंद स्वरूप को धारण कर रही हूं। भोले बाबा समान सचिदानंद स्थिति को प्राप्त कर रही हूं। मैं भरपूर होकर
अशरीरी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा। भोलेनाथ भोले भंडारी बाबा से भरपूर होकर सर्वशक्तिवान भोलेनाथ बाबा के सर्वशक्तियों से भरपूर होकर सर्वगुणों से सुसज्जित होकर मैं ब्रह्मलोक से अव्यक्त लोक की ओर यात्रा कर रही हूं। बुद्धि रूपी नेत्र से स्वस्थ देख रही हूं। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु और शरीरी आत्मा, अव्यक्त लोक में पहुंच गई। मैं अव्यक्त लोक में पहुंचते ही एक दिव्य प्रकाश शरीर को धारण कर रही हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। मैं संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख प्रकाश शरीर में उपस्थित हूं। बाप दादा मेरे हाथों में अपने हाथ को रख रहे, बाबा अपनी शक्तियों को ट्रांसफर कर रहे, मेरे प्रकाश शरीर बाप दादा की शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर हो रहा है। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, मैं डबल लाइट फरिश्ता बाबा से दृष्टि ले रहा हूं। हाथों में हाथ देकर मुझे बाप दादा वरदान दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं जाओ बच्चे, अवतार बनकर कर्मयोगी फरिश्ता बनकर बाप दादा ने इस संसार की नव निर्माण के लिए जो कार्य सौंपा है लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखते हुए सेवा और याद में बैलेंस रखते हुए निरंतर बाप दादा की स्मृति में रहकर कर्म योगी फरिश्ता बनकर
आज की दिनचर्या की सभी कर्म करो। बाप दादा से कर्म योगी फरिश्ता भाव का वरदान लेकर मैं डबल लाइट फरिश्ता वापस साकार सृष्टि में साकार सृष्टि की ओर यात्रा कर रहा हूं। एक सेकेंड में अव्यक्त वतन से साकार सृष्टि में साकार शरीर में अवतार के रूप में कर्मयोगी फरिश्ता स्मृति में प्रवेश कर रहा हूं। प्रकाश शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग साकार शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग से अलाइन हो रहा है। इस शरीर में एक अलौकिक शक्ति की संचार को महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा इस तन में कर्म योगी फरिश्ता हूं। बाप दादा से प्राप्त शक्तियां लाइट और माइट बनकर मुझसे होकर सारे प्रकृति की पांच तत्वों को जा रही है। सारे संसार को जा रही है। चारों ओर सतगुणी की वातावरण प्रभावित हो रहा है। अब दिल से बाप दादा को शुक्रिया करते हुए मैं कर्मयोगी अवस्था को लौट रही हूं। ओम शांति। याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं, तुम्हारे ही संग हंसते गाते संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया हूं। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया।